खबर जमशेदपुर से है, जहां बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बीच बयानबिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे खरकई और स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही। संभावित बाढ़ के खतरों से के बीच जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि ये जो बंगाल में डीप डिप्रेशन जो आई, जिसकी वजह से ओडिशा और झारखंड में और विशेषकर यहाँ जमशेदपुर में लगातार जो बारिश हो रही थी, तो यहाँ करकई जो रिवर जो है वहाँ तो डेंजर जोन से जो 129 मीटर्स जो होते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ गई थी। तो कल से लगातार हम लोगों का कंट्रोल रूम और सारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग कंप्लीट अलर्ट मोड में थे और क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे थे। क्योंकि ये जो बंगाल और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर के संवाददाता सुनील गुप्ता। सुनील, बताइएगा कि अभी जो हालात है नदी के, स्वर्णरेखा नदी के और साथ ही बाकी नदियों के, क्या कुछ हालात है, कितने कितना अभी बाकी है पानी भरना? देखिए सामने अगर सरकारी नदी और स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए, जो जमशेदपुर को समझिए कि घेरती है, जमशेदपुर के समय तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं वो सरायकेला जमशेदपुर और चाईबासा करीब करीब तीनों जिलों को जोड़ती है, और तीनों जमशेदपुर और खास करके सरायकेला है दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ है। और जो तटीय इलाके हैं, गम्हरिया हो गया, जमशेदपुर हो गए और आदितपुर हो गए, इस तरह के जो तमाम एरिया हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ तट पे जो लोग बसे हुए हैं उनको हालांकि हिदायत दी जाती है कि आप बारिश के मौसम में एहतियातें बरतें और वहां से जो है वो खाली कर दें, लेकिन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, अमल नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जनसत्र मंजुनाथ भजंत्री जो यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने समय रहते वहां के लोग खाली करा दिया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस जगह पे दोनों नदियां काफी उफान पे और रुक रुक के जो बारिश हो रही है और तमाम शहरों की जो पानी है उसी नदी में आ रही है, और बंगाल की खाड़ी से ही पानी जो आ रही है इस नदी को छू रही है, जिसको लेकर के क्षेत्र काफी मतलब उफान पे है। जो यहाँ की नदियां हैं काफी उफान पे आ गई है और जिसके चलते यहाँ के लोगों में दहशत भी व्याप्त है। लेकिन खैर यहाँ के जो उपायुक्त महोदय है उन्होंने समय रहते इसको काफी तंदुरुस्त किया और वहां के लोगों को हटा चुके हैं, लेकिन ये रुक रुक के जो बारिश आ रही है यहाँ के लोगों के लिए कलह बनी हुई है और काफी सारा परेशानियों का सबब बनी हुई है। ऐसे में जो लोग तटीय इलाके में रह रहे हैं, जो नदी किनारे रहे हैं, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा तानिया। लेकिन वैसे में जो यहाँ के जिला अधिकारी है, जो यहाँ के पुलिस बल है, काफी सजग है और नए डीसी आए हैं, नए एसपी आए हैं दोनों जिले में, सरायकेला और जमशेदपुर दोनों में। बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आपने बताया कि नए डीसी जो है उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया, एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अगर हम बात करें नदियों की, तो नदियों का क्या कुछ अभी चल रहा है और खतरे से कितने मीटर नीचे है अभी तक नदी? देखिए ये कहना लाजमी नहीं हुआ खतरे से नीचे है, खतरे के कगार पे नदी आ चुकी है, और जो खरकाई नदी है और जो स्वर्णरेखा नदी है और खास करके चांडिल जलाशय जो है वो भी काफी उफान पे है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही खबर चलाई थी कि अब हम डूब गए, वो डूब जाएंगे जो खबर के शीर्षक था, पर आप देख सकते हैं सूखा में हम लोग गए थे, वो आज गाँव पूरे डूबने के कगार पे, मतलब ये नहीं समझिए कि आए रात के पानी, अगर आए रात ऊपर पानी आती और चैनल को बंद नहीं किया तो शायद वो भी गांव डूब जाएंगे, सारे गांव ऐसा करके डूब जाएंगे। और जो इस जो सरायकेला और जमशेदपुर के बीचों बीच जो नदियां हैं, जमशेदपुर को मैंने जो तटीय इलाके में है, स्वर्णरेखा और सरकारी नदी, वहां के लोग जो है काफी भयभीत है क्योंकि वहां भी खतरे के निशान से रात को ऊपर चली गई थी पानी, लेकिन अभी थोड़ा जरा जल स्तर कम हुआ है। वैसे में जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और
उपायुक्त महोदय के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इस मोर्चे को संभाले हुए हैं जी और बिल्कुल, तटीय इलाके जी में लोगों को बिल्कुल खाली सुनील, कराया जा रहा है। धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। बता दें आपको कि जिस तरह से स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम और नए उपायुक्त ने मोर्चा संभाला है, आगे देखने की बात रहेगी कि किस तरह से जो है पूरा मोर्चा संभाला जाएगा।